पर्यावरण शुद्ध होगा, पैसा भी आएगा। घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इससे पर्यावरण को लाभ होने के साथ साथ धन लाभ के मार्ग भी खुलते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास पर्यावरण का ध्यान रखने का समय कहाँ है, वो तो बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो जरा रुकिए, धन लाभ चाहिए तो पौधे लगाइए, इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा और लाभ भी बढ़ने लगेगा। घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इंडोर पौधे लगाना सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है। यह सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ वातावरण शुद्ध करने का भी काम करता है। अगर कुछ पौधों को अपने आप घर में जगह देंगे तो धन लाभ भी बढ़ सकता है। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के मुताबिक कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें घर में लगाने से हमेशा धन आगमन होता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गार्डन में अन्य पौधों के साथ साथ अगर अशोक का पेड़ लगाया जाए तो धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। घर के गार्डन में चढ़ने वाली बेलें लगाने से भी धन का आगमन में वृद्धि होती है। खासकर मनी प्लांट लगाने से लाभ होता है। जैसे जैसे बेल बढ़ती हैं वैसे वैसे पैसे में भी वृद्धि होती है। केले का पेड़ वैसे तो शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए उत्तम वृक्ष माना गया है, लेकिन धन लाभ के लिए भी यह पेड़ उपयोगी माना गया है। घर के गार्डन में केले का पेड़ लगाकर उस पर पीला कपड़ा बांध कर रखने से लाभ में वृद्धि होती है। घर का दक्षिण पूर्व कोना धन और समृद्धि देने वाला होता है, इसलिए घर का गार्डन इस कोने में बनाना चाहिए और इस कोने में चौड़े पत्ते वाले पेड़ लगाना चाहिए। आंवला स्वास्थ्य के लिए लाभकारी औषधि है, इसे लक्ष्मी पेड़ भी कहा जाता है। अगर आपके घर में यह पेड़ लगा हो तो धन की कमी कभी नहीं होती। घर में गार्डन बना रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति और धन की कभी कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तुलसी का पौधा अगर घर में है तो धन की कमी नहीं होगी और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। कई अन्य पेड़ पौधे ऐसे हैं जो धार्मिक और वास्तु फायदों के साथ साथ औषधीय रूप से फायदेमंद हैं। संभव हो तो नारियल, नीम, अशोक काक पेड़ लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। धार्मिक लाभ भी हैं। आप जो पेड़ लगाते हैं उनके स्वास्थ्य लाभ तो हैं ही, इसके साथ ही साथ धार्मिक लाभ भी हैं। हर पौधा किसी न किसी रूप से देवताओं और ग्रहों का कारक होता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु से जुड़ा है, साथ ही इसे लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है। केले का पेड़ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। पीपल में कई देवों का वास है। अनार सूर्य ग्रह से जुड़ा है। अगर यह पौधे घर में हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख शांति व धन आगमन भी बना रहता है। पेड़ पौधे घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और लाभ भी होता है। नीम, पीपल, मनी प्लांट, तुलसी, बेल, केला, आंवला के पेड़ धार्मिक रूप से लाभकारी होते हैं। इन्हें घर में लगाने से देव कृपा बनी रहती है और धन आगमन बना रहता है। इन पेड़ों को घर में स्थान देने से भाग्य भी प्रबल होता है और दुख भी दूर होते हैं। धन्यवाद। पर्यावरण शुद्ध होगा, पैसा भी